को चाहिए। जी जी बेटे ये याद रखिएगा कि इंसान चांद पे पहुंच जाए और टेक्नोलॉजी जो है वो एक बटन के साथ सारी दुनिया बदली जा सके इंसान ने वही रहना है और इंसान की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज वही हैं जो हैं टेक्नोलॉजी या वो सब चीज़ें जो आज दुनिया में आई हैं इंसान ने अपनी आसानी के लिए पैदा की हैं वो मावन हैं मददगार हैं लेकिन वैल्यूज़ मिसाल लीजिएगा कि एक बंदा जो तलवार के घोड़े के ज़माने में जीरा था और एक ऐसा बंदा जो आज मॉडर्न एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो जहाज़ चलता है उसके ज़माने में जी रहा है ईमानदारी दोनों के लिए बड़ी ज़रूरी है एक पत्थर के ज़माने में दो पत्थरों को रगड़ के आग लगाता था पैदा करता था और एक ऐसा बंदा जो डिजिटल सिस्टम पर टच बटन के साथ एक दुनिया के कोने से दूसरी कोने में बात कर रहा है दोनों के लिए एथिक्स बड़े जरूरी हैं तो एथिक्स और वैल्यूज़ वो जमाने गुजरने के बावजूद आप देखें कि दुनिया का करप्ट तीन इंसान भी वो चाहता ही है कि उसकी टीम ईमानदार हो यानी इससे बड़ी एथिक्स में क्या पावर हो सकती है कि जो खुद एथिकली ठीक नहीं है जो एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे वो भी गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करते वो भी कह लीजिए कि जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उस उसके खिलाफ वो नहीं चलते वो भी कहते हैं कि जी हम खराब हों लेकिन हमारे साथ जुड़े सारे ठीक हों सो गुजारिश ये है कि वो जितनी मर्जी जो आपकी वो आपने टेक्नोलॉजी का या कुछ उससे मिलता जुलती कोई चीज़ कही है मेरी गुजारिश ये है कि जो ज़माना है वो वैल्यूज़ हर जमाने में वही रहेंगी और हम उनके कितना करीब हैं हम अच्छी वैल्यूज को कितना मान रहे हैं जान रहे हैं वो हमें खुद जानना चाहिए ये याद रखिएगा सोसाइटी की वैल्यूज क्या हैं उसमें आप बहादुर तब हैं आप अपनी वैल्यूज डिफाइन करें और एक नए रास्ते पर चलें आप उन वैल्यूज को फॉलो करते रहें जो सोसाइटी ने नॉम सेट किए हैं लेकिन वो अकल और शौर पर पूरी नहीं उतरती वो एथिक्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर पूरी नहीं उतरती वो कानून पे पूरी नहीं उतरती तो वो वैल्यूज नहीं है वैल्यूज वो होनी चाहिए जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं दुनिया के किसी कोने में आप अफ्रीका के किसी कबीले पे भी चले जाएं, वहां पर भी जो एथिक्स और वैल्यूज हैं वो यूनिवर्सल वही बेसिक काउंट होंगी जो हैं तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए जी जी बहुत शुक्रिया बेटा आपकी बड़ी मेहरबानी और गुजारिश यह है कि मादी दुनिया में आप कोई इसमें शक नहीं है कि मादियत प्रस्थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस वक्त जो मटेरियलिज्म है वो बड़ी तेज़ी के साथ आ, वो बढ़ रहा है लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह का लेक्चर इस तरह की बातचीत क्यों करवाई जाती है या मैं क्यों कर रहा हूँ ज़रा सोचें इसी कि हमें मादे के पीछे सिर्फ नहीं भागना हम रू भी हैं हम दिल भी हैं हम इमोशंस भी हैं हम सोल भी हैं और हमें सबका सब की खैरियत के सामान पैदा करने चाहिए हमारी रूह को भी ताज़गी चाहिए हमारे इमोशंस को भी जिंदा होना चाहिए हमारे अखलाकियात भी बुलंद होनी चाहिए हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए हम सिर्फ ये ना हो कि मादा में तरक्की कर जाएँ मटेरियलिज्म में ग्रो कर जाएँ लेकिन हमारे अंदर कोई एहसास ना हो एहसास मर जाए तो सब चीज़ें फिर किसी काम की नहीं है सो so, इसी लिए इस तरह का लेक्चर या इस तरह का मटेरियल या इस तरह का कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है कि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक अप्रोच के पीछे ना भागें बल्कि अपनी एक वेल well बीइंग भी देखें इमोशनल बींग भी देखें स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल बींग को भी देखें जी अच्छा जी गुजारिश यह है कि वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियां इनको कबूल करना आज दुनिया में एक सब्जेक्ट मुतारिफ हो चुका है जिसको ब्रिगेडी साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और वो सब्जेक्ट है चेंज मैनेजमेंट आज हमें तब्दीली को कबूल करना और तब्दीली को साथ लेके चलना और तब्दीली को समझते हुए उसमें से कुछ अच्छा निकालना उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना हमने जहानत का नाम इसको दे दिया है ये जो बड़ी पुरानी थ्योरी थी जिसपे हमने बड़ा क्रिटिसिज्म कभी किया कि वो डावन की थ्योरी थी डावन की थ्योरी का एक पॉइंट तो ये था जिस पर मेरा भी एतराज़ है कि बंदर से बना है इंसान लेकिन डॉवन की थ्यूरी का सेकेंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट वो थ्यूरी का पॉइंट ये था कि सरवाइव वही करता है जो स्मार्ट होता है जो चेंज को एक्सेप्ट करता है तो ये तब्दीलियों को कबूल करना और अपनी मंजिल पे पहुंचना देखें एक जो फुटबॉल का मैदान होता है उसमें कोई सामने ही नहीं होता कि एक किक एक, एक करनी है और गोल हो जाना है कितनों से बच के आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच के टारगेट पे जाना होता है वो मंजिल को अचीव करना होता है तो लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है लाइफ में सो हर्डल सो चैलेंज सो चीज़ें आएंगी इनसे गुजरते हुए आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंचना ये कमाल है सो गुज़ारिश ये है कि आपको इन तब्दीलियों को जो चीज़ें आप खुद चेंज ना कर सकें इनको कबूल करें और जो कुछ आप बदल सकते हैं उस पर पूरा ज़ोर लगाएँ ये मेरे इख्तियार में है इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं ना माइंड ये है कि क्या हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद अपनी मौजूदा माशरती हालात देखते हुए बनाना चाहिए या बुलंद उम्मीदें रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए अच्छा देखिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आप दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री निकाल लीजिए अगर हालात को सामने रखते हुए ख्वाब देखना शर्त होता तो कोई ख्वाब ना देखता ख़्वाब देखे ही तब जाते हैं जब हालात बदतरीन होते हैं बल्कि मैंने तो ये देखा है इस तेईस साल पढ़ाने में कि जो महरूमियों वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बड़े ख्वाब देखते हैं वो ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं वो ज़्यादा पैशनेट होते हैं और जिनको हर तरह की आसानियाँ मिली होती हैं वो उनकी उनको अचीवमेंट समझ नहीं आती है अचीव क्या करना है सो हालात के बदतरीन होने के बावजूद ख्वाब देखना उम्मीद कायम रखना और डटे रहना लगे रहना यही कामयाबी है पहली बात लेकिन हालात की नज़ाकत को देखते हुए अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करना कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक मिसाल ले लीजिए एक बंदे को कहीं दूर पहुंचना है हज़ार किलोमीटर और ज़रूर पहुंचना है उसको और उसके पास इस वक्त इसबाब नहीं है वहाँ पहुंचने के तो यहाँ पर दो रास्ते हो सकते हैं एक है वो इंतज़ार करे कि मैं इंतज़ार करूँ वो सवारी आ जाए जिस पर मैं बैठूँ और मैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँ एक है कि वो उस तरफ भागना शुरू कर दे और थोड़ी देर के बाद ही वो गिर जाए कहीं पर थक के और तौबा कर ले सफ़र पर जाए ना और एक रास्ता ये भी हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पैदल उस तरफ चलना शुरू कर दे और देखे कि रास्ते में मुझे कोई सवारी ऐसी मिल जाए जो मेरी मंजिल तक मुझे ले जाए अब ये तीनों फ़ैसलों में से मेरा ख़्याल है तीसरा फैसला बड़ा दानिशमंदाना है कि वो इंतज़ार भी उसमें शामिल है और अपनी कोशिश भी शामिल है तो आप राइट इंतज़ार करना सही समत का इंतज़ार करना और साथ में कबूल करना कि ये इस वक्त के हालात हैं मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और बेहतरी की चीज़ें मेरे तक आ जाएंगी ये एक दानिशमंदाना फैसला है वो कौन से अनासर हैं जिनको अपना कर हम माशरे में मौसर तब्दीली ला सकते हैं एक बड़ा बेसिक फ़लसफ़ा समझ लें कि हम सब में से कोई भी जो हमें सुन रहा है हम सब की कुछ हैं और हमें आंसरेबल होना है जवाबदेही है वो उन ज़िम्मेदारियों की है हम हर चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं हैं तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं वो कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको ने आपने एड्रेस करना ही करना है तो आपको पता लगेगा कि वो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आपकी पढ़ाई है आपका बेटी होना है आपका एक अच्छा सिटीज़न होना है आपका कुलीग अच्छा होना है आपका दोस्त अच्छा होना है आपके जो जो ज़िम्मेदारियों में चीज़ें याद रखिएगा अल्लाह ने उन ज़िम्मेदारियों का आपसे पूछना है तो बड़ी तब्दीली की बजाय आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ कबूल करें इसको स्टीफन आर कुवे ने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहा है तो जो सर्कल ऑफ़ इन्फ्लुएंस है आपका सर्कल ऑफ़ कंसर्न्स हैं बल्कि वो आप ठीक कीजिए और देखिए कि आपका जो कंसर्न्स का सर्कल है वो क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको बेहतर करना चाहिए फिर वो आसान हो जाएगा आपके लिए जी कि माशरे में तब्दीली की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करते हुए हम कुछ तब्दील कर सकें आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी मैं आप सबका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने इतना वक्त निकाला और मुझे सुना और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे